हाय ऑल, आई एम अमित और मैं सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल AMJ फॉर यू पे। तो आज का जो वीडियो है वो स्कूल किट अनबॉक्सिंग के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली मेरे बेटे का जो एडमिशन था वो हमने अभी करवा दिया है, वो अभी जस्ट 3 ईयर्स का कंप्लीट हुआ है और अब की बार उसका एडमिशन बचपन प्ले स्कूल में हमने करवा दिया है। तो जो आफ्टर एडमिशन जितना भी जो स्टडी किट मिलता है या क्या क्या जो एसेंशियल्स हैं जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्कूल से हमें मिला है। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्कूल से क्या क्या हम लोगों को मिला है, उसके बाद हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये बचपन स्कूल प्ले स्कूल की तरफ से जो बैग दिया जाता है वो है। इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है, और इस पे जो मार्केटिंग है वो भी बचपन प्ले स्कूल की है। बैक साइड में इसके एक आई कार्ड के लिए दिया गया है, आप अपने बच्चे का आई कार्ड इसमें डाल सकते हैं विद डिटेल्स। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है शूज़, ये भी बचपन प्ले स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है जब आप उसका एडमिशन करवाते हो। नंबर जो आपके बच्चे का रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। इसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है किट, जिसमें कॉम्बो किट आप देख सकते हो, जितनी भी बुक्स यूज़ होने वाली हैं वो हैं। तो एक बार इसको साइड में रख देते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस किट में हमें दी जाती हैं। तो ये रहने वाला है स्पीको किट। इसमें एक पेन दिया जाता है जिसको आप जिस बुक्स पे रखेंगे जो वर्ड्स होते हैं वो स्पीक आउट करेगा, तो इसको स्पीको किट बोलते हैं। तो एक बार इसको साइड में कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं सबसे पहले जो स्कूल है उसके स्कूल बैग है उसके अंदर जो है दो आई कार्ड दिए जाते हैं। एक आई कार्ड पे आपके बच्चे की डिटेलिंग रहेंगी विद फोटोग्राफ्स, और जो उसको स्कूल में लेने जाता है उसके ये यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा और राइट कॉर्नर में उसकी फ़ोटो हो जाएगी, और जो भी क्लास एंड सेक्शंस दिए जाते हैं ये पीछे उसकी डिटेलिंग हो जाएगी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है एंड ऑल। जो सेकेंड आई कार्ड है वो पेरेंट्स के लिए दिया जाता है। एक्चुअली उसमें जो जो बच्चे को स्कूल से अगर पिक करने जाता है तो उसके इसमें 3 फोटोग्राफ्स आपको देनी होंगी, वो ही बंदे उसको स्कूल से ला सकते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आपको पहले से डिटेल देनी पड़ेगी और वही बच्चे को लेके आ सकता है। उसके बाद जो स्कूल बैग के अंदर से है एक ये ज्योमेट्री बॉक्स टाइप है, इसके जो अंदर है वो एक बार ओपन कर लेते हैं। फ्रंट साइड में बचपन प्ले स्कूल की मार्केटिंग दी गई है। उसके बाद जो बैग के अंदर है वो है स्केच पेंस, ये कलरफुल पेंस हैं, जो 2 डब्बी दी गई हैं कलर पेंस हैं इसके अंदर। उसके बाद शार्पनर है, और इसमें एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि थी हर एक चीज़ को डबल दिया गया है कि दो दो, इसमें 2 इरेजर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, 2 कलरफुल जो पेंस है वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ये सेकेंड इरेजर है एंड ये सेकेंड शार्पनर है। तो ये चीज़ें स्कूल बैग के अंदर, 2 पेंसिल, तो हर जो चीज़ है वो 2 के सेट में दी गई है। तो एक अच्छी चीज़ है जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो इसको एक बार साइड में रख देते हैं, उसके बाद बैग के अंदर देखते हैं अगर कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड की गई है या नहीं। जी हाँ, तो इसके बाद ये सॉक्स दी गई हैं, वही चीज़ है अकॉर्डिंग टू साइज़ आपको सेलेक्ट करना है, एंड जो स्कूल ड्रेस रहेगा वो भी दिया गया है। तो ये समर्स में अलग चलती है एंड विंटर्स में अलग, अभी जो समर टाइम है तो समर्स के अकॉर्डिंग इसमें टी शर्ट है जो रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है जिस पे नंबर लिखा हुआ है, एंड ये है शॉर्ट्स जो निकर टाइप होता है वो। तो ये स्कूल ड्रेस रहने वाली है बचपन प्ले स्कूल की। क्वालिटी वही दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बैग के अंदर जो था हम उसको साइड कर देते हैं, और मैं एक बार शूज़ दिखा देता हूँ अनबॉक्स करके कि शूज़ की क्वालिटी कैसी है एंड क्या कलर एंड कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो जो स्कूल का कलर है अकॉर्डिंग टू ड्रेस रेड एंड ब्लू विथ सोल वाइट, और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनकी क्वालिटीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। एंड द लास्ट थिंग इज़ जो बचपन प्ले स्कूल की तरफ से कॉम्बो किट दिया गया है उसके अंदर क्या क्या बुक्स रहने वाली है वो हम लोग एक बार देखते हैं। मैं एक बार सारी चीज़ें, ये बुक्स के जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्टिकर्स जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं बुक्स पे, इस पे अपना नाम डिटेल सेक्शन एंड ऑल दैट। उसके बाद मैं एक बार बुक्स को निकाल लेता हूँ एंड फिर वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या है। ये पहली चीज़ 3-in-1, इसमें आपको
अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे, देन आफ्टर आपको काउंटिंग मिल जाएगी, ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे। एंड ये स्पीको किट है, जब बच्चा इस पे पेन रखता है तो ये स्पीक आउट होता है, तो ये 3 इन 1 रहने वाली है। जो नेक्स्ट बुक है वो है ट्रांसपोर्ट की, इससे जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें दी गई है विद पिक्चर्स, एंड क्वालिटीज़ ऑफ बुक्स आर रियली गुड। द थर्ड वन इज़ वेजिटेबल नेम्स, तो ये भी वेजिटेबल नेम्स है विद देयर पिक्चर्स। जो नेक्स्ट है वो है नंबर्स के लिए, दैट मीन्स ये रिलेटेड टू मैथमेटिक्स काइंड ऑफ चीज़ें रहने वाली हैं। जी हाँ, तो एक बुक ये दी गई है। उसके बाद है फ्रूट नेम्स, ये फ्रूट्स नेम मिलेंगे आपको विद पिक्चर्स। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग बुक, ये बच्चे के लिए जो ड्राइंग फ्री हैंड ड्राइंग होती है, स्क्रिबलिंग होती है, वो चीज़ें सिखाने के लिए दी गई है एक बुक। उसके बाद जो है वो है कलर मी, लाइक इसमें डायग्राम्स दे रखे हैं और आपके बच्चे को उसमें कलर करना होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ अभी जो है, पहले बहुत लेट आती थी, अभी जैसे एंट्री की है स्कूल में मिल गई है। इसके बाद राइम्स हैं पोएम्स के लिए, ये इसमें पोएम्स दी गई हैं। देन आफ्टर पैटर्न्स, इसमें एक पैटर्न दिया गया है बच्चे को प्रैक्टिस आउट करने के लिए, इनके ऊपर से पेंसिल से वर्कआउट करना पड़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिए गए हैं। इसके बाद ये एक डायरी बुक दी गई है, जो स्कूल से होमवर्क एंड देन क्लास वर्क, एंड इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट टाइम आई मैं देख रहा हूँ कि मेरे को क्वालिटी काफ़ी अच्छी। उसके बाद जो आती है वो है ग्रामर हिंदी की, इसमें जो क ख ग है, और जो रिटन के लिए होती है वो है, तो इसमें मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इन बोल सकते हैं 2 इन 1 है ये। जो नेक्स्ट बुक है वो है माई पिक्चर बुक, इसमें जो पिक्चर्स हैं एंड देन आफ्टर रीड आउट एंड देन आप पूछ भी सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिस आउट के लिए। देन स्क्रॉप फाइल है, स्क्रैप फाइल, इसका टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे को इतना लगता नहीं है कि बच्चे के लिए यूज़ में होगी, बट एंड देन आफ्टर हमको मिलता है देखो पढ़ो और सीखो, तो ये जो भी पिक्चर्स हैं उसको देख के रीड आउट करने का है, एंड वही प्रैक्टिसिंग बुक है काइंड ऑफ। देन वाई माई वर्ल्ड, ये जो एक्टिविटीज़ डे टू डे रूटीन में होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक ब्रशिंग, बाथिंग एंड देन गेटिंग इट रेडी, प्लेइंग इन स्कूल एंड ऑल दैट, क्लासरूम्स। सो ये एक, देन आफ्टर 1 2 3 काउंटिंग्स, ये काउंटिंग बुक है। इसके बाद जो मिलती है अल्फाबेट्स की, ABCD, जी हाँ। एंड उसके बाद एक ये फाइल फोल्डर है, कुछ जो भी है वो रखने के लिए, तो एक ये फाइल फोल्डर एक्स्ट्रा दिया गया है। एंड देन जो लास्ट चीज़ हमें मिलती है वो मिलती है ये बुक, एक्टिविटी शीट्स, तो जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें उसके लिए एक सीट प्रोवाइड की गई है। तो ये चीज़ें थी जो हमें स्कूल की तरफ से जब एडमिशन के टाइम पे हमें किट, कंप्लीट किट दिया जाता है। तो ये अनबॉक्सिंग है काइंड ऑफ, और मैंने क्या क्या किट्स में चीज़ें मिलती हैं, क्या 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 एसेंशियल्स जो है स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शो आउट कर दी हैं। तो ये बचपन प्ले स्कूल में हमने एडमिशन करवाया है और उसी की तरफ से हमें दी गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रेस आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। थैंक यू।